जैसा कि कलंदर जी ने बताया, मैंने अपना तखल्लुस साहब रखा है क्योंकि मेरा मानना है अपनी इज्जत अपने हाथ। तो अब लोग जो हैं, मैं सबसे पहले एक कविता सुनाऊंगा और मुझे, मैं जनरली हास्य रस या प्रेम की कविताएं करता हूं क्योंकि अक्सर मनुष्य वो कविताओं में लिखता है जो उसके जीवन में नहीं हो, तो मैं कोशिश करता हूं कि हास्य रस और प्रेम की कविता लिखूं। बाकी अभी मैं जो सुनाने जा रहा हूं इसमें मुझे पता नहीं कौन सा रस है, आप लोग अपने अपने हिसाब से निकाल लें। तो मैं एक गीत सुनाता हूँ। हाँ, कली, हाँ हाँ, जैसा जैसा चाहें। हाँ, तो मैं सुनाना शुरू करता हूँ। ये अपने भारत के लिए लिखा था मैंने कभी, कि एक प्रश्न मेरे दिमाग में उठा, उसके कुछ जवाब आए और उस पर फिर ये लिखा मैंने कि हम लोग जो हो रहे हैं, जो होते जा रहे हैं और जिस चीज़ पे गर्व कर रहे हैं, तो क्या हमारा जो गर्व है वो सत्य है? इस पर मैंने लिखा था कि हम नहीं बदलेंगे साहब चाहे जितना दम लगा लो, और हम नहीं बदलेंगे साहब चाहे जितना जोर डालो। अरे लद गए अब वो जमाने जब इंसानियत हम में भरी थी, स्नेह और सौहार्द की ऊंची सी छत जग में खड़ी थी। आज वो लंगड़ी हुई छत कागज के लट्ठों पर खड़ी है। और अगली पंक्ति पर पूरे सदन की दाद चाहूंगा अगर आपको सच लगे कि आज की इंसानियत दारू पिए औंधी पड़ी है। और इस पर जो तथा कथित सुधारक हैं उनके लिए एक सुझाव है मेरा कि दुख जो लगता हो तुम्हें तो एक पेग तुम भी चढ़ा लो। और हम नहीं बदलेंगे साहब चाहे जितना दम लगा लो। ये हफ्ता जो है वो बता दिया कि प्रयार वाला है। वैसे मेरा एक शेर है कि न बढ़ता फरवरी में और न अक्टूबर में होता कम, न बढ़ता फरवरी में और न अक्टूबर में होता कम, तुम्हारा इश्क बस सावन, हमारा इश्क हर मौसम। बताता हूँ कि प्यार कैसा करते थे हम, कि प्रेम की मिसाल बन गए थे यहाँ कुछ लोग ऐसे, कुछ थे माहवाल, कुछ रांझे और कुछ फरहाद जैसे। आज का फरहाद तो मुन्नी के संग में झूमता है, और आज रांझा रोज नई गर्लफ्रेंड लेकर घूमता है। तो लव गुरु से टिप्स लेकर, वो आते ना रेडियो पे चुपके चुपके सुने जाते हैं, तो लव गुरु से टिप्स लेकर 8-10 तुम भी पटा लो। और हाँ, मतलब अपनी अपनी कैपेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी दाढ़ी बड़ी तो आप 20 तक जा सकते हैं। हाँ। और हम नहीं बदलेंगे साहब चाहे जितना। अब बात करते हैं थोड़ी सी संस्कारों की, कि थे कभी संस्कार ऐसे, नहीं मतलब तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तुम जिस दल के बैठे हो तो डर लग रहा है। कि थे कभी संस्कार ऐसे के जगत में पूज्य हम थे, और मानवों में राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग कम थे। यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि हम कितना भी बिगड़ते जा रहे हो, पर एक चीज जो ना बिगड़ रही है ना बदल रही है, वो है हमारे माँ बाप और उनका हमारे लिए प्यार। माँ बाप हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे गलत राहों पर ना जाएं, कोई गलती अगर उन्होंने अपने जीवन में की तो बच्चे वो ना करें। तो उस पर मैंने दो लाइनें लिखी कि सदचरित तुम लो बना, आज यह हर एक माँ चिल्ला रही है, पर नव युवक को आज शीला की जवानी। तो भूल कर संस्कार सब अश्लीलता का तुम मजा लो, और हम नहीं बदलेंगे साहब चाहे जितना दम लगा लो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। एक हाँ बिल्कुल ले लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हैं, क्या बात है। तो अब समय बचा है क्या, थोड़ा सा समय है? ठीक है, तो एक गजल सुनाने की कोशिश करता हूँ मैं थोड़ी सी।
देख के पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरा मानना है एग्जाम में फेल होने से अच्छा है नकल करके पास हो जाओ। हाँ, मतलब आगे चल के तो आईटी में ही काम करना है, तो क्या ही है। हाँ, तो इरशाद फरमाइएगा कि हाँ, दिल को अक्सर यूं बहलाया करता हूँ, दिल को अक्सर यूं बहलाया करता हूँ, तेरी बातों को दोहराया करता हूँ। दिल को अक्सर यूं बहलाया करता हूँ, तेरी बातों को दोहराया करता हूँ, दुनिया भर से अपना वक्त बचाकर मैं, दुनिया भर से अपना वक्त बचाकर मैं, फुर्सत से फिर तुझ पर जाया करता हूँ। और धूप धूप जमाने की घर चुभने लगती है, धूप जमाने की घर चुभने लगती है, तेरी यादों में छुप जाया करता हूँ। और जश्न मनाने की घर तबीयत होती है, मेरा एक और शेर है कि शख्सियत से तारुफ रख साहब अक्सर हिजाब बहकाते हैं, इसको शराब की क्या हसरत जिसको गुलाब बहकाते हैं।